करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में बनी रहने वाली है? सबसे पहले बात हम महोत्सव कर लेंगे, मध्य प्रदेश उत्सव के लिए कर लेंगे, जिसको लेकर जिसका उद्घाटन करने के लिए सीएम मोहन यादव दिल्ली गए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिमरन जी, हाँ बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और वो कल से दिल्ली दौरे पर हैं। आज मध्य प्रदेश भवन में उत्सव का जो कार्यक्रम था वो किया गया है और ये 2 सितंबर तक चलना है। इसके साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहा जाए भोपाल वापिस आ जाएंगे और भोपाल में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वही दूसरी तरफ देखें तो विपक्ष है जो की कांग्रेस के आज यूथ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है, जंगी प्रदर्शन कहा जा रहा है इस प्रदर्शन के लिए, और क्या हुआ तेरा वादा इसके तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नितेंद्र सिंह है जो युवा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े लीडर भी शामिल होंगे, साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। इसमें आपको बता दें कि एक अभियान चलाया गया था पोस्ट कार्ड के जरिए कि क्या हुआ तेरा वादा, मध्य प्रदेश सरकार के लिए जो नौकरी के लिए जो वादा किया था मध्य प्रदेश सरकार ने अपने वचन पत्र में, इसी के साथ में महिलाओं के लिए जो 3,000 रुपए देने की बात कही थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के यूथ कांग्रेस ने एक अभियान चलाया था, ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया था पोस्ट कार्ड के माध्यम से। पोस्ट कार्ड करीबन 4.5 लाख यूथ कांग्रेस के लिए कहा जाए प्राप्त हुए हैं और यही जो पोस्ट कार्ड है वो पोस्ट कार्ड लेकर के अब आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मितेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सीएम हाउस जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये सौंपने का उनका प्लान है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जो पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ चौकबंदी की हुई है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यूथ कांग्रेस के, ये सीएम हाउस ना पहुंच सके इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। रंग महल चौराया है जो कि सीपी नगर के पास में है, यहाँ से सीएम हाउस के लिए ये निकलेंगे। वहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात किया जा रहा है और कहा जाए कि इधर जो यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है इसका जंगी प्रदर्शन बताया जा रहा है। पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अभी भी आने जाने का दौर जारी है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां बसें यहाँ पर आई हुई है, यहाँ तक की जो स्कूल बसें हैं स्कूल बसों के लिए भी यूथ कांग्रेस ने हायर किया हुआ है और वह भी आई हुई है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो मौसम है, मौसम भी लगातार अपना असर दिखा रहा है, थोड़ी हल्की बारिश शुरू हो गई है जो कि माहौल अगर कहा जाए कि मौसम का जो मिजाज है वो ठंडा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की आज बैठक है, बैठक में हो सकता है कि कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हो, मोहर भी लगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर है वो दो विशेष तौर से बड़ी खबरें हैं कि एक तो जो मोहन यादव ने उद्घाटन किया है एक दो है और दूसरी कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन है। इधर एटीएस ने भी एक बड़ी कार्रवाई की है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश एटीएस दिल्ली पहुंची है, अलकायदा के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है और राजस्थान के भीलवाड़ा, उत्तर प्रदेश ऐसी जगह से कई आतंकी संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश से भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की भोपाल की एटीएस दिल्ली के लिए पहुंची है जहां पर पूछताछ जारी है। आगे क्या निकल के आता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर मिली है कि उनसे पूछताछ जारी है। जी जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।